So hey guys, welcome back to Sibling Saga और चुप, बिल्कुल चुप। और आज हम लोग आ चुके हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में बताया था, जो लोग कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखते देख लिया करो, हर एक दो दिन में छोटा मोटा कुछ अपडेट आता रहता है वहाँ पे भी, तो थोड़ा थोड़ा कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लिया करो। हमने वहाँ पे आप लोगों से मांगे थे काफी सारे डेयर्स और आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल डेयर्स दिए हमको। हमें नहीं पता था कि ऐसे ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं जो हमें इतने खतरनाक टाइप के डेयर्स दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवानी तुम सब मतलब मेरे जान के पीछे पड़ जाओ, मतलब अभी अब मैं ये कर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 150 लाइक्स चाहिए इस वीडियो में, पूरी इज्जत सब खत्म कर दो तुम मतलब मेरी। तो आ जाओ फिर देखते हैं कौन मिलता है हमें सबसे पहले। तो गाइस अब यहाँ से हम लोग उस स्ट्रीट पर आगे बढ़ेंगे, जो सबसे पहले दिखेगा उसके साथ में डांस करेंगे। अरे मेरे ऐसी ड्रेस में कहीं नहीं हमें सबसे मिले पहले मिले पंकज है आंटी जी बोल के ऐसा कुछ कुछ सीन बनाना। अभी अपन चलते हैं, कोशिश करते हैं, जैसे कि आस पास अगर कोई भी लड़की मिलेगी तो अपन कोशिश करेंगे बनाने की, नहीं बना तो भी देखो एडजस्ट कर लेना आप लोग। आ जाओ यही सीधा सीधा, ये आंटी खड़ा है। ये आंटी किसको बोल रहा है? नहीं मुझे क्यों आंटी बोल रहा है आपने? हाँ तो फिर आ जाओ इधर सीधे सीधे, इधर ये हनुमान जी का मंदिर है, ये वाइट एक्टिवा है, आंटी जी फोन चला रहे बेटे बेटा, मैं इधर ही खड़ा हूँ। हाँ बस इधर ही आ जाओ सीधे सीधे। सो गाइस विशेष का डेयर करने के लिए तो विशेष ब्लॉग ने जो हमें कमेंट में डेयर दिया है कि मुझे आइस क्यों रखने होंगे अपनी पैंट में, उसके लिए हम आ चुके हैं हमारे किचन में। और ये रहा हमारा 5 करोड़ का फ्रिज, औकात मेरे, ये रही आइस ट्रे। अच्छी क्या कर रहे हो? शर्ट बाहर निकाल देता हूँ, शर्ट खराब नहीं होना चाहिए। जी ब्रो नहीं। क्यों किया? लेकिन है अभी भी, हम रुकेंगे नहीं। अरे छी यार ये क्या कर रहे हो? छी मैं जाने मैं ही नहीं देखूंगी। ठंडा कैसे पी ला रही पता? आई गुरे आई गुरे आई गुरे राहत मिली, जुकाम हो गया है। हम तो कुछ भी नहीं है इंसान, तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं। और मैं अभी उनके अंडर में क्लासेस ले रहा हूँ ड्राइंग क्लासेस, तो इसलिए मैंने उन सर से कहा था कि सर अगर हो सके तो मुझे नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के लिए एक छोटा सा डेयर दे दो। तो उन्होंने मुझे काफ़ी खतरनाक डेयर दिया, मतलब मुझे एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनानी है बिना शेडिंग की, सिर्फ लाइंस का यूज़ करते हो। सो ट्राई करेंगे हम लोग, पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर कैसा बनता है। वैसे मैंने पहले भी एक ऐसा वर्क किया हुआ जो मैं यहाँ कहीं पर डाल रहा हूँ, लेकिन उसमें लाइंस के साथ हल्की फुल्की शेडिंग थी, लेकिन इस वर्क में मैं बिल्कुल भी शेडिंग यूज़ नहीं करूँगा, बिल्कुल भी, यहाँ तक कि बैकग्राउंड में भी कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्टली हम लोग सिर्फ लाइंस से रियलिस्टिक ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। कहीं पर भी
एडिटिंग नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ लाइंस स्ट्रोक्स की हेल्प से बनाने की कोशिश की है। आई होप सर आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना कमेंट बॉक्स में। गाइस जो अगला डेयर हमें दिया है वो दिया है प्रतीक्षा ने, और उसने कहा है कि लास्ट टाइम जो आपने झूठ बोला था वो क्या बोला था, तो पहले दुर्वा तेरी बारी। गाइस मेरा तो अभी रिसेंटली झूठ हुआ था कि ऑनलाइन क्लास में सर ने पूछा था काम हो रहा है कि नहीं, तो मैंने बोला हाँ हो रहा है, जबकि मेरे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और गाइस मेरी बात रही तो मैं झूठ वैसे बोलता ही नहीं हूँ मैं। गाइस ये भैया का सबसे रिसेंट झूठ है, आप लिख के ले लो। गाइस मेरी किस्मत ही इतनी खराब है, मैंने देखो सीरियसली दुरा देखो टाइम हो गया मैं झूठ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि मैं जब भी झूठ बोलता हूँ ना विदिन 5 मिनट्स 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा वो झूठ पकड़ा जाता है। मतलब मैं झूठ ही ऐसे बोलता हूँ मैं पकड़ा जाता हूँ, तो फिर मैंने झूठ बोलना ही छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है, अपन पकड़ा जाता है उल्टा पे मम्मी डांट देती है। बचपन में गाइस भैया ने मतलब भैया पढ़ने में बिल्कुल एवरेज थे, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल डेल थे। अब तो हालांकि मैं अमंग द टॉपर्स हूं। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, यूपीएससी क्रैक करूंगा बहुत जल्दी। शांति शांति, वो दिन पता नहीं कब आएगा। तो भैया है ना एग्जाम जब भी भैया का अच्छा नहीं होता था, क्योंकि हमारे क्या कि घर पे आने के बाद में जब हम क्वेश्चन पेपर लेके आते थे तो मम्मी डिस्कस करती थी कि तुमने क्या किया है, बस बेइज्जती मत करो। भैया जान बूझ के अपना पेपर जो है स्कूल के ना डेस्क के नीचे ही रख के आ जाते थे और फिर आके कहते थे कि मम्मी मैं भूल गया, और उस बात पे भैया इतने जूते खाए हैं बचपन में है ना भैया। देखो क्या मुझे पता होता था क्वेश्चन पेपर में तो अपन ने हक दिया, अब अगर ला के पेपर मम्मी को देंगे और मम्मी ने टैली कर लिया तो मम्मी को पता चल जाएगा कि अपन ने क्या क्या किया, इससे बढ़िया क्वेश्चन पेपर ही छोड़ दो। मस्त प्लान है। तो गाइस जो नेक्स्ट डे हमको करना था पोक करने वाला, तो उसके लिए मैंने एक रैंडमली एक रील्स देख के एक बंदे को कॉन्टेक्ट किया है। तुम्हारा गाँव कौन सा है? क्या तुम्हारा गाँव कौन सा है? अरे बच्चा है यार ये तो। वो क्या सोच रहा होगा? अच्छे फोन से बनाओ। क्या हुआ? पता नहीं है, उसने सीन तो कर दिया वापस। ओके तेरे पास कौन सा फोन है? ओह माय गॉड, आईफोन 13। गाइस ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो सीधे गालियों पे आ जाते हैं। भाई जो भी फोन है तेरे फोन से तो अच्छा ही है। आपका फोन चार फोन रखता हूँ, एक सैमसंग का, एक आईफोन, एक मोटरोला और एक और है ओप्पो का। तो मेरे पास 5 फोन है, आईफोन 12 प्रो और वीवो V20। आगे नाम नहीं आता। तो मुझे रोज और इसी के बाद अगला डेयर हमें दिया है नीट एस्पिरेंट ने, और उन्होंने कहा है कि अपनी क्रश को मैसेज करो और उसे कहो आई लव यू। मतलब अगर रिप्लाई नेगेटिव आए तो कह देना कि एक डेयर था, और अगर पॉजिटिव आया तो खैर मैसेज क्या करना, मैं डायरेक्टली आप लोगों को वीडियो कॉल दिखाता हूँ मेरा मेरी क्रश के साथ। अच्छा लिसन ना, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आई एम शूटिंग अ यूट्यूब वीडियो राइट नाउ एंड आई गॉट अ डेयर फ्रॉम माय सब्सक्राइबर्स टू कॉल माय क्रश एंड टेल हर दैट आई लव यू। लव यू टू। आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, आई विल टेल यू लेटर। या वी विल टॉक लेटर। ओके बाय।